खरगोन जिले में 1 लाख रुपए देने के बाद भी शादी नहीं होने की बात पर एक युवक अपने पिता और अन्य के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि युवक देवास में प्राइवेट नौकरी करता है, जिससे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर गुहार लगाई कि शादी के नाम पर लड़की के पिता ने अब तक 1 लाख रुपए ले लिए हैं और लड़की को दूसरी जगह बेच दिया, लिहाजा युवक ने पैसा वापस दिलाने के नाम पर कार्यालय को शिकायती आवेदन दिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की यह रिपोर्ट। ये शादी का मामला है, शादी ब्याह का है। क्या हुआ था? शादी हमारी 1 साल पूर्व हो गई थी, 2021 में हो गई थी। तो पिछले साल शादी करने का बोले थे उनके लड़की के बाप को, तो लड़की का बाप ने बोल दिया कि अगले साल शादी करेंगे, लड़की की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो हमने फिर ठीक है करके रहने दी। अब इस साल शादी होने वाली थी, अब बीच में उसके लड़की के माँ बाप बहन आते रहते थे, तो वो पैसे हमसे ले जाया करते थे, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 20,000, वैसे करके ले जाया कर। अब शादी होने के, अभी हम शादी के बात करने के लिए एक दिन पहले गए तो बोले कि अभी मत आना, हर दिन बात आना करके बोल दिए। उसके बाद हमने वो लड़की मेरे को फ़ोन लगाई, वो फिर बोले कि मेरे को बड़ा मोबाइल चाहिए। तो मैंने जो मेरे पास रेडमी का जो मोबाइल था ये मैं दे रहा था उसको, तो उन्होंने बोले कि मेरे को ये मोबाइल नहीं चाहिए, मैं बड़ा अच्छा ओप्पो का मोबाइल ले लूँगी। तो मैंने उसको 4 दिन पहले 10,000 रुपये दे दिए थे, तो उसने 4 दिन मोबाइल ली नहीं, और वो पैसे लेके मैंने उससे पूछा कि मोबाइल ले लिया, तो बोले कि अभी दुकान बंद है, अभी नहीं मिल रहा है। अब 15 दिन पहले शादी ठीक से करना जा रहे थे तो आ जाओ करके बोल देते थे, और लड़की को उसका बाप ने उसके गांव में रोड के साइड में मकान है उसके साला के वही बेच दी, 1,70,000 में बेच दी। तो हमारे से पैसे लिए, वो वापस देने की बात नहीं करी। जब हम कल पैसे लेने के लिए गए उनके यहाँ तो वो हमको मारने की धमकी दिए, बोले कि अगर तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे पे गलत इल्ज़ाम डाल के फंसा देंगे, ये बात हमको कहिए। और आज अभी कितने पैसे दे? करीब 1 लाख हो गए हमको, और चेन दिए उसको गले की, और पायजल दे रखे, वो भी दे नहीं रहे वापस। कब होने वाली थी आपकी शादी? शादी हमारी अब कल गणेश पूजन था। अच्छा। कल शादी होने वाली थी, परसों 4 तारीख में बारात जाने वाली थी। अब उसने एक लड़की को बेच दी और 2 दिन तक छुपा के रखे। हमने उससे पूछे तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो बोले कि वो तो बड़े भाई के यहाँ जा रखी मेहमान। फिर मेरे को ससुराल में कौन से गांव का मामला है ये? अभी 15 दिन पहले का है। गांव कौन से गांव? मोखन गांव का है, लड़की मोखन गांव की, और मैं ढबला का हूँ। और सावन पिता, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पैसे और जो रकम दे रखे वो वापस हमको कर दे। दे नहीं रहे हो? वो देने कल बुला ले, पैसे दे दे आ जाओ करके, और हम यहाँ से 6-7 लोग पैसे लेने के लिए, वो आ गए उधर से 40-50 जन और हमको घेर ले बीच में और मारने कूटने की धमकी दे दी, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को भी मरवा देंगे। हाल ही में एक आवेदन अनिल सोलंकी नाम के व्यक्ति ने दिया है, जिसका ये कहना है कि उससे उसी के अनुसूचित जाति के समाज के जिर्निया के व्यक्ति ने जो है उसकी बहन से शादी कराना तय किया था, और शादी के बाद वो बहन की पढ़ाई के लिए आवश्यकता होने से रुपयों की मांग करता रहा और इनके द्वारा रुपये दिए गए ऐसा बताया गया। और इसी तारतम्य में जब शादी की बात आई तो शादी करने से इनकार कर दिया, और इनका कहना है कि उसकी दूसरी जगह शादी तय की जा रही है, और यही शिकायत है। इसमें आपसी रिश्तेदारी या आपसी जाति समाज में शादी की बात को लेकर के आपसी लेन देन की बात सामने आई है, इसको हम संबंधित थाने को भिजवा रहे हैं आवेदन, और इसमें जांच करके जो भी इसकी वैधानिक कार्रवाई साक्ष्य पे आएगी उस तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।